सप्तमम काल रात्रिशो। सातवां अध्याय सातवां दिन जो काल रात्रि का है। काल रात्रि क्रोध की बात हुई, ये बड़ी क्रोधी देवी है। हम बात कर रहे थे कल चंडी पाठ के क्रोध की, तो क्रोध जो है वो सबसे बुरी चीज होती है। महिषासुर क्रोध का प्रतीक था। आप माता की पूजा करोगे नहीं करोगे चलेगा, मतलब क्रोध मत करना, कभी भी क्रोधित मत होना। जो क्रोधित होता है वो जगदम्बा को नहीं पा सकते। लोग क्रोध करके भगवती की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, कैसे होगा? पूजा करते करते क्रोध करता है कई बार। अरे पत्नी कुछ भूल गई तो क्रोधित हो जाता है, अरे रखा है तूने, समस्या हो गई मुझे, अरे क्या समस्या, तू उठ के ले ले भाई, क्रोध क्यों करता है? लेकिन मनुष्य को स्वभाव है, महिषासुर जागता है उसके अंदर। महिषासुर एक प्रतीक है और क्रोध, क्रोध का कोई प्रतीक होता है तो महिषासुर है, इसलिए क्रोध मत करो। दूसरे स्कंद में बता गया क्रोध करने से तुम्हारा नाश हो जाएगा, संबंध बिगड़ जाएगी, तुम्हारा अप्रतिष्ठा मिलेगी, बदनाम हो जाओगे। तो गीता जी में बहुत स्पष्ट कह दिया कि क्रोधात भवति सन्मोहात, सन्मोहात बुद्धि नष्टति, कि नरक में जाना है तो तीन रास्ते हैं, क्रोध मोह और लोभ। क्रोध मत करो भाई, नरक में चले जाओगे, और कोई रुकोगे गाके रुकेगी नहीं आपकी कभी। तो माता जी का भी उपदेश है, महिषासुर क्रोध है और क्रोध आपको खा जाएगा। तीसरा स्कंद महासरस्वती का है। इसके अंदर दो राक्षसों की बात है, सुंभ और निसुंभ। बहुत सी ज्ञान की बात इसके अंदर है जो बाहर नहीं आ रही है। माँ जगदम्बा जब जाती है युद्ध करने, माँ जगदम्बा को कहते हैं वो लोग, उसको मारना था और कोई स्त्री मार सकती थी ऐसा वरदान था। चंड मुंड नाम के जो राक्षस थे, उन राक्षस के दूत ने माँ जगदम्बा का स्वरूप देखा। माँ का रूप कैसा होगा? एक स्त्री का रूप जो होता है ना वो तो सामान्य होता है, माँ जगदम्बा जब स्वयं सुंदर रूप लेके बैठी है तो उसका रूप कैसा होगा? माँ के रूप ने सबको मोहित कर दिया। ऐसे भी स्त्रियां मोहित बहुत करती है, वो मोह से अगर कोई बच गया है ना तो जिंदगी जीत जाता है। तो यहां माता के स्वरूप से वो मोहित हो गया और चंड मुंड ने सुमनि सुम ने मां को दूध भेज के बताया, मेरे से शादी करो, मैं त्रैलोक का मालिक हूं, स्वामी हूं मैं, तीनों लोक मेरे हाथ के अंदर है, इंद्र का व्रज मेरे पास है, ईरावत हाथी मेरे पास है, सब कुछ है। दौलत पैसा दिखाकर मां को वश करने की कोशिश की। स्त्रियां कभी पैसों से वश नहीं होती, सब याद रखना। स्त्रियों को वश करना है तो प्रेम से करना पड़ेगा, भक्ति से करना पड़ेगा, उपासना से करना पड़ेगा। मां ने जवाब दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी शादी करने के लिए, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है, यो मा जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति। मेरे साथ, मैं उसी के शादी करूंगी जो मेरे साथ युद्ध करेगा और युद्ध में जीतेगा मुझे। कामातुराणाम न भयम न लज्जाम। जब काम चढ़ता है ना मनुष्य के सिर पर, उसको न भय होता न लज्जा होती है। उसने मां को कहा कि युद्ध करने के लिए तैयार हूं मैं। जब मां कह रही है कि भाई मेरे से युद्ध कर और मुझे जीत और ले जा, वो समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कोई सामान्य स्त्री नहीं बोल सकती, कि कोई शक्ति होगी। लेकिन जब काम चढ़ता है तो भय भी नहीं रहता है और लज्जा भी नहीं रहती है। वो काम में फंस गया,
काम बहुत बड़ा शत्रु है और बहुत बड़ा मित्र भी है। कोई भी चीज उसके दो पासा होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। और तीसरा जब बच जाता है तो दुखी करता है, जब कंट्रोल में रहता है तो सुखी करता है। कंट्रोल में कौन कर सकता है श्री कृष्ण को छोड़ के? भगवान कृष्ण 16,000 स्त्रियों के पति थे, 16,108 वो शादी की थी, गोपियां थी, सब कुछ था, फिर भी योगेश्वरम, किसी के पास मोहित नहीं थे कभी भी, पागल नहीं थे कभी भी। वो अपनी मर्यादाओं को जानते थे और अपनी मर्यादाओं का स्वीकार किया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इसलिए जब ये दोनों जो राक्षस थे वो काम में पड़ गए, और काम की बात हम अगले एपिसोड में करेंगे, वहाँ इसको समाप्ति देते हैं।